माय डियर व्यूअर, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका जिशान एकेडमी में मोस्ट वेलकम है, बहुत स्वागत है। आज हम फिर दो नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के कवर होने पर हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो जो लोग इस चैप्टर के बाकी वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, वो देखें और समझें, ताकि ये चैप्टर नंबर 2 आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का चैप्टर नंबर 2 एकदम क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का पूरा नोट हो चुका है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 3 से अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहला जो है, व्हाट इज द पॉलीइम्ब्रियानी? पॉलीइम्ब्रियानी इज द फिनोमिना बाई विच एन सीड पॉजेज मोर देन वन एम्ब्रियो। एक सीड में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है तो इसको पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। हु डिस्कवर द पॉलीइम्ब्रियानी? सबसे पहले लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1719 डिस्कवर द पॉलीइम्ब्रियानी इन द केस ऑफ द सिट्रस। हाउ मेनी टाइप आर द पॉलीइम्ब्रियानी? हाउ कैन पॉलीइम्ब्रियानी आर टेक प्लेस? बस दो टॉपिक और इसमें बचता है। उससे पहले आप जानते हैं कि हाउ कैन इम्ब्रियो फॉर्मेशन आर टेक प्लेस। इम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता ही होगा। ये फिगर है, ये एंटीपोडल सेल हो गई, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये आपकी सिनर्जिट हो गई और ये आपकी क्या हो गई, एक्सेल हो गई। इन जनरल जब एक सेल के साथ एक मेल गैमीट बनता है तो इसी से आपका क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इस जाइगोट से आगे जाके इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इन जनरल एक इम्ब्रियो सैक से एक इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता, डेवलपमेंट होता आगे जाकर के आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। बट इन द केस ऑफ पॉलीइम्ब्रियानी ये जो इम्ब्रियो होते हैं और ये पूरा का पूरा जो इवेंट होता है वो किसके अंदर होता है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ओवूल, क्योंकि इसी ओयूल से आगे जा करके आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी भी सीड में एक से ज़्यादा इम्ब्रियो बनते हैं तो अब इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। पॉलीइम्ब्रियानी दो तरह की होती है। पहला जो होती है इसको हम ट्रू पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीइम्ब्रियानी आर टेक प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो आर टेक प्लेस विथ द हेल्प ऑफ दीज सेल। पहली तो बनेगा, पहला तो इम्ब्रियो जो बनेगा वो एक्सेल से बनेगा, लेकिन दूसरा वाला अगर इम्ब्रियो ओयूल्स के अंदर, या तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको सिनर्जिट सेल कहते हैं, सिनर्जिट सेल से डेवलप होते हैं, या ये आपका हो गया एंटी पोडल सेल से डेवलप होते हैं, या फिर किसी दूसरे सेल से डेवलप होते हैं, जैसे आपका ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई से। तो इस तरह के पॉलीइम्ब्रियानी को हम ट्रू पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। इट इज क्लियर? यानी अगर एक ही इम्ब्रियो सैक से ही दो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, अब ऐसी कंडीशन में एक तो ट्रू होगा, यानी जो यूजुअल प्रोसेस होती है, एग सेल से जायगोट आफ्टर डेथ इम्ब्रियो बनता है और दूसरा जो इम्ब्रियो बनता है इसी में से जो बाकी ये जो सेवन सेल स्ट्रक्चर होता है इसी में से कोई दूसरी सेल अगर इम्ब्रियो फॉर्मेशन में मदद करती है, इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको ट्रू पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, दैट इज द फॉल्स पॉलीइम्ब्रियानी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि ओयूल्स तो सेम होता है, अगर एक ही ओयूल्स में
दो अलग अलग एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इफ एन ओयूल, ओयूल इज द सिंगल बट द एम्ब्रियो आर द डिफरेंट नॉट द सेम इन रेफरेंस टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन सच पॉली एम्ब्रियोन इज रिफर्ड एज फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक। हो गया। अब आइए तीसरा जो होता है, अब आता है हाउ कैन पॉली एम्ब्रियोनिक टेक प्लेस। अब ये पॉली एम्ब्रियोनिक होती कैसे? इन जनरल जो होगा, पहला जो आपका हो गया कि ये जो एम्ब्रियो सैक की सेल होती हैं, जैसे आपका हो गया, पहला आपकी हो गई सिनर्जिड सेल, नंबर दो हो गई एंटी पोडल सेल, और नंबर तीन आपकी हो गई आपका पोलर सेल, पोलर सेल। और इसमें से ज्यादातर क्या होती है? जो सिनर्जिड सेल होती है। अगर ये जो सिनर्जिड सेल होती है दैट इन्वॉल्व, कभी कभी क्या होता है कि पहली जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसी के बाद जो सिनर्जिड सेल होती है वो एक दूसरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से पॉली एम्ब्रियोनिक की कंडीशन जो होती है वो अराइज होती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है जो एंटीपोडल सेल होती है, इसमें से कोई सेल जो होती है वो पुश करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, और फाइनली अब इनका जो फॉर्मेशन होगा मियोसिस के थ्रू होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये आपके कैसे हो जाएंगे? एक डिप्लॉयड बॉडी में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इसको दिस इज द वन केस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पॉली एम्ब्रियो इन द केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक। दूसरी जो कंडीशन आती है कि रदर देन द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अलावा, एम्ब्रियो सैक को जो सराउंड करने वाली होती है जो सेल होती है, जो न्यूसिलस की सेल होती है, न्यूसिलस की सेल से भी आपका क्या होता है? अगर ये न्यूसिलस की सेल जो होती है दैट कैन बी पुश इन द एम्ब्रियो एंड फाइनली एम्ब्रियो सैक एंड इट कन्वर्ट इनटू एंड एम्ब्रियो। इन जनरल जो होता है, यानी जो कंडीशन होती है दैट आर कॉमन इन द केस ऑफ सिट्रस एंड इन द केस ऑफ सिट्रस के केस में होता है और मैंगो केस। ओके, नेक्स्ट इज द एपोमिक्सिस। व्हाट इज द एपोमिक्सिस? द एपोमिक्सिस ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। इसको सबसे पहले विंकलर ने इन 1908 में डिस्कवर किया था। अब आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो चीजें होंगी। पहला जो होगा मियोसिस से गैमेट बनते हैं, और दूसरा क्या होता है फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड बॉडी, जिसे हम कहते हैं लेटर स्टेज में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें ये फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता है और मियोसिस की प्रोसेस भी एब्सेंट होती है, लेकिन डिप्लॉयड बॉडी टू एन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एस इससे सीड को एपोमिक्टिक सीड और इनके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। वंस अगेन, यानी एपोमिक्सिस में क्या होगा, एक ऐसी फिनोमिना that is the example of asexual, this is the example of another type of asexual reproduction
दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन आर टेक प्लेस विथ आउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनता है एंड दैट सीड कॉजेस डिप्लॉयड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो। अब सवाल उठता है हाउ कैन एपोमिक्सिस आर टेक प्लेस। अब एपोमिक्सिस कैसे होती है, अब इसमें सबसे पहला जो हो गया हम जानते हैं जो फर्स्ट कंडीशन अराइज होती है, नंबर वन एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका एक सेल से होता है, इफ द एम्ब्रियो causes diploid egg cell, अगर एम्ब्रियो के अंदर diploid egg cell बन जाती है, inside the cell, एम्ब्रियो के अंदर ही diploid egg cell बनती है, यानी meiosis की process जो होती है वो नहीं होती है, तो ये जो diploid egg cell होती है इससे आगे जाकर के आपके क्या होता है, एम्ब्रियो का formation होता है और seed का formation होता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा क्या होता है, पहला तो कंडीशन ये होगी कि एक ही जो आपका एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होगा, एक जो एग सेल होगी उसमें मियोसिस नहीं होती है, उसी से आपके क्या होते हैं डिप्लॉयड सेल जो होती है वो बन जाती है। दूसरी कंडीशन जो होती है आउटसाइड द एम्ब्रियो साइट, आउटसाइड द एम्ब्रियो साइट अगर होता है तो वो आपकी क्या होती है, न्यूसिलस सेल होती है। इफ न्यूसिलस सेल इट इज आल्सो ये डिप्लॉयड सेल, इट पुश द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक को पुश कर देता है और इस न्यूसिलस की सेल से आपका क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो सच सीड आर कॉल्ड एपोमिक्सिस सीड। इट इज क्लियर। पहली कंडीशन हो गई कि जो एक्चुअल में हमारा एम्ब्रियो सैक होती है उसकी जो यूजुअल सेल होती है, जो एग सेल होती है उसमें उनके फॉर्मेशन में आपका मियोसिस ही ना, वो डिप्लॉयड हो जाए और अब उस जो डिप्लॉयड एग सेल होगी आगे जब सीड का फॉर्मेशन होगा तो उससे एम्ब्रियो बनेगा तो वह एपोमिक्सिस सीड कहलाएगा। दूसरी कंडीशन आती है कि जो न्यूसिलस सेल होती है एक्चुअल में ये डिप्लॉयड सेल होती है, ये क्या करती है, पुश कर देती है एम्ब्रियो सैक को और इससे आपका क्या होता है, एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन हो जाता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो का, इट मीन्स दे कैन ब्रेक, दे कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एज वेल एज फर्ट, यहाँ पे ना तो मियोसिस होता है ना तो फर्टिलाइजेशन होता है बट सीड फॉर्मेशन श्योर होता है। अब जो एपोमिक्सिस सीड होते हैं इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिंगल पैरेंट से डेवलप होते हैं डिप्लॉयड से टोयन का फॉर्मेशन होता है, तो एक तरह से ये आपके क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जो कैरेक्टर पैरेंट में होता है वही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका ग्रेट इम्पॉर्टेंस है नाउडे इन एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर हम एपोमेक्टिक सीड को डेवलप करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है, जो पैरेंटल क्वालिटी होती है वही क्या होती है, ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। धन्यवाद।